दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खरीर होंगे वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वन न्यूज़ में दोस्तों बहुत ही अहम ख़बर लेके आते हैं जो भी नई अपडेट आती है दुबई से पाकिस्तान से यू ए से मारा से अब देवी सरैसलखमस मुल्को इन से, से, से शाहजा से देखें दुबई के सात रियातें सात रियातों में से जो भी नई खबर आती है खबर बड़ी हो या छोटी हो तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूर जो हमें देखते हैं जो हमें सुनते हैं उन तक बात पहुँच जाए उन्हें हर बात का पता होना चाहिए जो भी नई खबर आती है जैसा कि आप लोगों ने थमनल में पढ़ाई होगा पांच ममालिक के लिए फ्लैट्स का ऐलान हो चुका है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से पांच ममालिक हैं जिनके लिए दुबई की तरफ से फ्लैट्स का ऐलान हो चुका है तो आज हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं तो आज की वीडियो बहुत अहम है तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है जो हमें देखते हैं जो हमें सुनते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें इससे फ़ायदा ये होगा कि नई वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत अहम है गौर से सुने और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस बात का पता चल सके और वीडियो बहुत अहम है और वीडियो को पूरा वाच किया करें ताकि आप लोगों को हर बात का मौजू समझ आ जाए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाँच कौन से ममालिक हैं जिसको दुबई ने ऐलान कर दिया फ्लैट्स ओपन करने का देखें सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम है अफगानिस्तान नेपाल बांग्लादेश और इंडिया इन पांच मालिक का ऐलान हो चुका है बहुत ही खुशखबरी आ चुकी है दुबई से जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा बहुत ही देर से वेट कर रहे थे दो महीने हो गए यानी कि बारह मार्च को फ्लैट सस्पेंड की गई थी इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की लेकिन अभी आप लोगों को मालूम है कि दो महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं इन दो महीने के बाद अभी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि फ्लैट्स का ऐलान हो चुका है इन पाँच के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए जो नए वीज़े वाले हैं यानी कि अप्लाईमेंट वीज़े और विजिटर हजरात हैं जो दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अहम ख़बर है उनके लिए जो ऐलान हुआ है वो फ्लैट्स का ऐलान हुआ है पाँच और छः जुलाई और इंडिया का भी पहले तो ट्वेंटी थ्री का था लेकिन अभी उन्होंने वो ऐलान सस्पेंड कर दिया अभी इंडिया की जो एयर इंडियन एयरलाइन है उसका ऐलान है छः जुलाई का और नेपाल और बांग्लादेश की बात करते हैं बांग्लादेश और नेपाल की भी तकरीबन पंद्रह या सोलह जुलाई का ऐलान है वो भी फ्लैट्स ओपन हो जाएंगी आप आप लोगों को खुश होना चाहिए जो पाकिस्तान से हैं जो उन जो हमें सुन रहे हैं कहीं से भी हमें सुन रहे हैं ख़ास तौर पे हम अपने पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि आपको ख़ुश होना चाहिए कि जो वीज़े वाले हजरत पाकिस्तान में आए हुए थे तो उनके लिए फ़्लैट्स ओपन हो चुकी है वो जा भी रहे हैं परसों दो मेरे दोस्तों ने टिकटें कराई और वो जा भी रहे हैं अगर आप लोग उन्हें भी टिकट करानी है तो पी आई एयरलाइन की टिकट करवा लें और उसमें आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट से और दूसरी बात यह है कि एयर इंडिया की जो हम आपको बता रहे हैं इंडिया से जो ऐलान किया हुआ था ट्वेंटी थ्री जून का लेकिन ट्वेंटी थ्री जून भी गुजर चुका है उनकी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है क्यों सस्पेंड किया है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में कोरोना की तादाद फिर से बढ़ रही है सिर उठाया हुआ है तो इसलिए उनकी फ्लाइट सस्पेंड की हुई है लेकिन छः यानी कि तेरह चौदह दिन अभी बाकी हैं फिर उनकी फ्लाइट्स ओपन हो जाएगी दुबई के लिए एयर इंडिया की जो एयर लाइन है वो उड़ान भरेगी दुबई के लिए धाबी शारजा और खैमा के लिए फ्लाइट्स इंडिया की पहली उड़ान भरेगी एयर इंडिया और जो आप लोगों को मालूम है अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं करोना भी बहुत कम हो चुका है इन शाला जल्द ही ये करोना ख़त्म हो जाएगा जैसा पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है अभी इतना नहीं है जैसे पहले था इन श्ला ये वबा करोना वाली पूरी दुनिया से अल्लाह ख़त्म करेगा बिल्कुल पहले की तरह सब चीज़ चेंज हो जाएगी इनशल तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और दुआओं में याद रखना और कमेंट्स में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अगर आप लोग एक आदमी का सवाल आया हुआ था कि हमने वीज़ा लेना है विज़िट वीज़ा हाँ अगर आपने विज़िट वीज़ा लेना है तो हमसे रबतक करें हम आपको विज़िट वीज़ा भी दिलवा सकते हैं अप्लाइमेंट वीज़ा भी दिलवा सकते हैं और वो भी आपको सस्ती कीमत पे यानी कि सस्ते प्राइस में हम आपको वीज़ा दिलवा सकते हैं जिसमें टिकट आपकी होगी अगर आप लोगों ने विज़िट वीज़ा और अप्लाइमेंट वीज़ा लेना है तो हम लोग उनसे रब्ता करें हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे और अच्छा आप लोगों को ज़िम्मेवार से वीज़ा दिलवा सकते हैं तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं ओके अल्लाह हाफिज